stratified random sampling method. This is also very important. The stratified random sampling is appropriate for a heterogeneous population. Heterogeneous का मतलब होता है अलग-अलग. In case the population is heterogeneous, the population can be subdivided into different homogeneous groups. यहाँ पे जो हमारे पास population में अलग-अलग elements हैं, तो उनको सबसे पहले हमें homogeneous groups या strata में divide करना होगा और हर strata से हम random sample लेंगे. Strata means groups. The population within strata is homogeneous. जो strata हमने बनाया वो तो homogeneous है with respect to the characteristics under study. There is some common characteristic dividing the population into these strata or groups. Stratified random sampling वो है जो कि heterogeneous population में use की जाती है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर population heterogeneous हो तो हम उसे different homogeneous groups या strata में divide कर देते हैं. फिर each strata जो किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित होता है, उस हर स्ट्रेटा में से हम रैंडम सैंपल निकाल लेते हैं. इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन जेंडर, एज ग्रुप्स, इनकम इज लाइक ग्रुपिंग देम इनटू स्ट्रेटा यूजिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. फॉर एग्जाम्पल, हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं जेंडर के बेस पे, तो हमने ग्रुप बना लिया एक. सपोज वी डिवाइड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो एक हमने बना लिया मेल का ग्रुप, एक फीमेल का ग्रुप, एक अदर्स का. अब क्या करेंगे, हम रेंडमली हर एक में से सैंपल निकालेंगे, मेल्स में से अलग, फीमेल्स में से भी और अदर में से भी. सिमिलरली वी डिवाइड, एक और एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं कि वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू थ्री पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम. अब हमने इनकम के आधार पर पॉपुलेशन इसको डिवाइड किया है पॉपुलेशन को तीन ग्रुप्स में, तो यहाँ हम बना लेंगे हाई इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप. ये हमने अलग अलग स्ट्रेटा तीन बना लिए हैं. अब हम क्या करेंगे कि तीनों में से ही रैंडम सैंपल लेंगे. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. सपोज देर आर चिट्स ऑफ 100 बॉयज एंड 100 गर्ल्स इन ए बाउल एंड वी वांट टू टेक ए सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स. सपोज हमारे पास एक बाउल है, इसमें हमारे पास 100 चिट्स हैं बॉयज के एंड 100 चिट्स हैं गर्ल्स के, एंड वी वांट टू टेक ए सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स. तो हम 10 स्टूडेंट्स का सैंपल लेने चाहते हैं. सिंस चिट्स ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर देयर इन ए बाउल, वी हैव टू टेक ए सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स. दीज आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज. तो अब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं कि या तो उसमें सारे बॉयज आए या मोर बॉयज और लेस गर्ल्स, लेस बॉयज और मोर गर्ल्स, नो बॉयज और ऑल गर्ल्स, और ऑल बॉयज और नो गर्ल्स. इफ वी टेक आउट अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड सपोज 9 बॉयज और 1 गर्ल्स कम्स आउट और 10 बॉयज और 0 गर्ल कम्स आउट, then looking at this sample, it shows that there are more boys in the population than the number of girls. To prevent this error, we divide the population into homogeneous groups. That is same population, that is boys in one group and girls in another group. अब हमारे पास जो boys और girls के सारे एक ही bowl में chits हैं, इसमें ये possibility है कि हमारे पास या तो सारे boys आ जाएं या ज़्यादा boys आएं, कम girls आएं, या सारे boys आ जाएं, सारे कोई भी girl ना आए, या सारी girls आ जाएं, या और कोई boy ना आए, या ज्यादा गर्ल्स आ जाएं और लेस बॉयज आए. तो इससे जब हम सैंपल लेंगे तो ये लगेगा कि हमारी पॉपुलेशन में बॉयज ज्यादा थे या गर्ल्स ज्यादा थी. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम दो जो बॉयज के चिट्स हैं उनको लिख के एक अलग बाउल में लिख लेंगे, बॉयज के और गर्ल्स के एक अलग बाउल में लिख लेंगे, और उन दोनों में से ही हम पांच पांच के सैंपल निकालेंगे रैंडम. और इससे हमारे पास जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की प्रोपोर्शन आ जाएगा. इफ वी टेक आउट अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड सपोज 9 बॉयज और 1 गर्ल्स इज इक्वल टू 10 कम्स आउट और 10 बॉयज और 0 गर्ल कम्स आउट, देन लुकिंग एट दिस सैंपल इट शोज दैट देर आर मोर बॉयज इन द पॉपुलेशन देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. टू प्रिवेंट दिस एरर वी डिवाइड द पॉपुलेशन इन टू होमोजीनियस ग्रुप, सेम पॉपुलेशन दैट इज बॉयज इन वन ग्रुप एंड गर्ल्स इन अनदर ग्रुप. अब इस एरर से बचने के लिए हमने क्या किया कि दो ग्रुप्स में होमोजीनियस, एक बॉयज का ग्रुप और एक गर्ल्स का ग्रुप में डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को, एंड वी राइट द नेम्स ऑफ ऑल 100 बॉयज इन चिट्स इन फर्स्ट ग्रुप एंड वी राइट द नेम्स ऑफ ऑल 100 गर्ल्स इन चिट्स इन सेकंड ग्रुप. वी शफल द चिट्स इन द बाउल, देन वी टेक आउट 5 चिट्स फ्रॉम वन बाउल इन द फर्स्ट ग्रुप वन बाय वन एंड 5 चिट्स फ्रॉम बाउल इन सेकंड ग्रुप वन बाय वन. इन दिस वे वी गेट अ सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 5 बॉयज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप एंड 5 बॉयज फ्रॉम सेकंड ग्रुप. This is how we can take a sample of 10 students by stratified random sampling. Stratified random sampling तब use की जाती है जब heterogeneous population हो,
उसको हम होमोजीनियस स्ट्रेटा या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसमें से हम रैंडम सैंपल ले लेते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। नाउ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का एक और एग्जांपल हम लेकर समझते हैं। सपोज देर आर 1000 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं एंड 100 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड इन टोटल। वॉट वी डू, वी डिवाइड द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इन टू होमोजीनियस ग्रुप्स और स्ट्रेटा, मेल फीमेल, और 50% हम ले लेंगे मेल्स और 50% ले लेंगे फीमेल्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। This is another example of stratified random sampling. And stratified random sampling is also of two types, proportionate stratified random sampling and disproportionate stratified random sampling. Now we will discuss the proportionate stratified random sampling. This sampling involves drawing a sample from each stratum in proportion to the latter's share in the total population. It gives proper representation to each stratum and its statistical efficiency is generally higher. For example, if the education faculty of a university consisted of the following specialization groups, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जो एजुकेशन फैकल्टी है इसके ये ग्रुप्स हैं, स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम फिलोसफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दी हुई है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फिलोसफी में 40, सोशियोलॉजी में 30 है, साइकोलॉजी 20, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में है 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100। अब प्रोपोर्शन ऑफ ईच स्ट्रीम में कितना प्रोपोर्शन है, 40/100 इज 0.4, 30/100 0.3, 20/100 0.2 एंड 10/100 इज 0.1, तो ये टोटल आ गया इसका प्रोपोर्शन। अब रिसर्चर को सैंपल लेना है, सपोज द रिसर्चर वॉन्ट्स टू ड्रॉ ए सैंपल ऑफ 30, तो वो कैसे लेगा? सो द रिसर्चर वुड डू, वॉट द रिसर्चर वुड डू इज फॉर 40 × 0.4, क्योंकि इसका प्रोपोर्शन 0.4 था, तो इसने सैंपल मिल गया इसको, इस केस में 16, एंड इन सोशियोलॉजी 13 × 0.3 इज 9, साइकोलॉजी इज 20 × 0.2 इज 0.4, एंड इन केस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 10 × 0.1 इज 10 × 0.1 इज 1, सो 16 + 9 + 4 + 1 इज सैंपल ऑफ 30। This is an example of proportionate stratified random sampling. अब बात करते हैं हम disproportionate stratified random sampling की। This method does not give proportionate representation to strata. It necessarily involves giving over representation to some strata and under representation to other. इसमें क्या होगा कि या तो किसी strata की ज्यादा representation होगी या किसी strata की कम होगी, बिल्कुल equal proportionate representation नहीं होगी। This method is used when the population contains some small but important subgroups, when certain groups are quite heterogeneous while others are homogeneous, and when it is expected that there will be appreciable differences in the response rates of the subgroups or in the population. Now we will come to cluster sampling. Cluster sampling ki sabse important baat hai ki it is always used when the in larger population ya larger group ke liye hum cluster sampling ka use karte hain. When the population elements are scattered over a wide area and a list of population elements is not readily available, जबकि population जो element है scatter होते हैं किसी wide area में और ये population जो element से readily available नहीं होते, तब हम क्या करते हैं कि use जो simple और stratified random sampling है उसको use नहीं कर सकते, तो उस case में हम cluster sampling का use किया जाता है। In such cases cluster sampling is adopted. The population is divided into subpopulation without any basis or characteristics. अब क्लस्टर में जो पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन है वो बहुत उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो उसमें जो डिवाइडेड है, एंड द क्लस्टर को हम कहते हैं होमोजीनियस ग्रुप। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लस्टर इज इक्वल टू होमोजीनियस ग्रुप्स। हियर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स एंड ए रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर इज सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सब पॉपुलेशन। उसमें से आप कोई भी एक क्लस्टर को सेलेक्ट कर लोगे और उसकी स्टडी करोगे। क्लस्टर सैंपलिंग इज यूज्ड when we want to examine the characteristic of a group rather than an individual element. यहाँ हम group की study करते हैं, किसी individual element की नहीं। Process क्या होती है cluster sampling की? It involves identify clusters, examining the nature of clusters and determine the number of stages. Types of cluster sampling. Cluster sampling भी दो तरह की होती है, जैसे area sampling और multi-stage cluster sampling. अब हम बात करते हैं area sampling की। Area sampling क्या है? When the clusters are made
based on geographical area region, it is known as area sampling. जब क्लस्टर्स जो होते हैं किसी ज्योग्राफिकल एरिया या रीजन पर आधारित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरिया सैंपलिंग. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग. इन लार्जर फील्ड सर्वे क्लस्टर्स कंसिस्ट ऑफ इस पॉसिबल एक ज्योग्राफिकल एरियाज लाइक डिस्ट्रिक्ट्स, तालुक्स, विलेजेस और ब्लॉक्स इन ए सिटी are randomly drawn as the geographical areas are selected as sampling units. In such cases, their sampling is called area sampling. अब हम बात करते हैं area sampling की. जैसे India है, suppose India में 28 states हैं, मान लो 1, 2, 3 इस तरह हमने number दे दिए 1, 2, 3, 4, 5 ये India का है, ये सारे states हैं. अब हम क्या करेंगे, we number each state 1 से 28 तक हमने number दे दिया एंड पुट इट इन, उसे भी हमने मान लो एक बाउल में डाल दिया 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर्स, उसको शफल किया, उसमें से हमने एक चिट निकाल ली रैंडमली और जिस स्टेट का नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल इट कम्स यूपी, तो हम उसकी स्टडी करेंगे. इंडिया 28 स्टेट्स एंड वी नंबर ईच स्टेट फ्रॉम 1 to 28 इन ए चिट, पुट इट इन ए बाउल, शफल द बाउल, टेक आउट वन चिट रैंडमली ऑन विच द नेम ऑफ वन स्टेट इज रिटन, एनी वन स्टेट, सपोज द नेम ऑफ स्टेट इज यूपी, वी विल स्टडी दैट स्टेट. ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, आपका हमने नंबर दे दिया, उसको एक बाउल में डाल दिया, एक नंबर हमने उठा लिया, उसमें से जो नंबर लिखा गया जिस स्टेट का उसकी हमने स्टडी कर ली. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन एरिया सैम्पलिंग. अब एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज द सिटी ऑफ स्टडी इज डिवाइडेड इनटू 4 parts. ये दिल्ली है, इसको हमने 4 parts पर डिवाइड कर लिया, सपोज ए बी सी डी विदाउट एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब एक पार्ट को हमने रैंडमली उठा लिया, सपोज बी उठा लिया रैंडमली, तो हम इसकी स्टडी करेंगे. सपोज द सिटी ऑफ दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, दैट इज ए बी सी एंड डी विदाउट एनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी वन पार्ट इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड दैट पार्ट इज स्टडी. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस बी पार्ट इज सेलेक्टेड रैंडमली, सो इट विल बी स्टडीड. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरिया सैम्पलिंग. या हमने बात की एरिया सैम्पलिंग की. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं. अब हम मल्टी स्टेज में क्या होता है, इन मल्टी, मल्टी का नाम से कह रहा है कि एक से ज्यादा, इसमें ज्यादा स्टेजेस हो सकती हैं काफी. इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग इज कैरीड आउट इन 2 or more stages. सैम्पलिंग कैरीड आउट होती है 2 या 2 से अधिक स्टेजेस में. द पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ सेकंड स्टेज यूनिट्स एंड सो फोर्थ. जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी स्टेजेस, सेकंड स्टेजेस यूनिट्स हो सकते हैं. जैसे कि हम मान लें, हम बात कर रहे हैं कंट्री की, इंडिया, इसमें हो गए बहुत सारे स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर हो गए डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हो गए मान लो ब्लॉक्स, फिर विलेजेस, इस तरह से सब यूनिट्स हो गए. दैट इज एट ईच स्टेज. इस सैम्पलिंग यूनिट इज ए क्लस्टर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ द सबसिक्वेंट स्टेज. जैसे एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हो गए, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेजेस हो गए. फर्स्ट ए सैंपल ऑफ द फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग यूनिट्स इज ड्रॉन. पहले हमने मान लो स्टेट निकाल लिया सैम्पलिंग यूनिट. देन फ्रॉम ईच of the selected sampling units, a sample of the second stage units is drawn. फिर state में से हमने districts निकाल लिए, फिर districts में से हमने blocks निकाल लिए. The procedure continues down to the final sampling units or population elements. Appropriate random sampling method is adopted at each stage. और हर stage पर हमें random sampling method को ही adopt करना होता है. Now we will discuss the example of multi-stage cluster sampling. जैसा कि पहले एग्जांपल में हमने एरिया सैंपलिंग में डिस्कस किया था, इंडिया हैज 28 स्टेट्स, वी नंबर ईच स्टेट फ्रॉम 1 टू 28 इन ए चिट एंड पुट इट इन ए बाउल, शफल द बाउल, टेक आउट वन चिट एंड रैंडमली ऑन व्हिच एनी नेम ऑफ एनी वन स्टेट इज रिटन, सपोज द नेम ऑफ स्टेट इज यूपी. अब वहां हमने यूपी स्टेट जो आ गया था उसकी स्टडी की थी, वो थी एरिया सैंपलिंग. अब नाउ द स्टेट यूपी इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स and we number each district in a sheet and select any one district randomly and this study that and we will study that district only. तो ये एक second stage unit हो गया जिसकी हम study करेंगे.
So this is an example of a multi-stage cluster sampling. और another example, जैसा कि पहले हमने बात की थी कि हमने दिल्ली सिटी को without any common characteristics four parts में divide कर दिया था, A, B, C, D, without any characteristics, common characteristics. फिर एक हमने random निकाल लिया था, B part उसकी study की थी, तो उसको हमने बोला था area sampling. अब हम जो B हमारे पास है group, उसमें भी B1, B2 काफी सारे population elements हैं. Further, from this we can take any population element. Suppose we take B1, फिर हम उसकी study कर लेंगे, तो ये example हो गया हमारा multi-stage cluster sampling का. Suppose the city of Delhi is divided into four parts A, B, C and D without any common characteristics. Any one part is selected randomly. For example, part B is selected. And B part is also divided into further into B1, B2, B3, etc. And from part B, another population, subpopulation जो कि है B1, B2 is selected randomly and that part is studied. Suppose B1 हमने select कर लिया, so we will study B1. This is an example of multi-stage cluster sampling. Stratified sampling में हमने जैसे we divide किया था heterogeneous population को homogeneous groups में और strata में. और वहां हम हर एलिमेंट ले लेते थे स्ट्रेटा का जिसका इक्वल चांस था रैंडमली. एंड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा सम आइटम्स वर सेलेक्टेड फॉर स्टडी. वेयर इज इन केस ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट आइटम्स आर नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप. यहां हम पूरा क्लस्टर ही ले लेते हैं, उसी की स्टडी करते हैं, लेकिन ना कि हर आइटम जो कि हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में सेलेक्ट की थी. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन stratified sampling and cluster sampling. In stratified sampling we divided the heterogeneous population into homogeneous groups or strata and from each strata some items were selected for study, whereas in case of cluster sampling population is divided into groups but items are not selected from each group for studying. Instead any one group which is randomly selected is studied. Jaisa ki humne koi bhi ek group ko jo study select kar liya randomly उसको हम स्टडी करेंगे, जैसा कि हमने एरिया सैंपलिंग में किया था. और अगर फर्दर हम और उसको सब पॉपुलेशन एलिमेंट्स में रैंडमली सेलेक्ट करके स्टडी करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग. आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एलिमेंट्स विद इन ईच स्ट्रेटम आर सैंपल्ड. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो हर स्ट्रेटा में जो थे एलिमेंट्स उनको हमने सैंपलिंग के लिए कंसिडर किया था. वेयर इज इन क्लस्टर सैंपलिंग द सैंपलिंग इज डन ऑन द पॉपुलेशन ऑफ क्लस्टर्स. देयरफॉर क्लस्टर और ग्रुप इज कंसिडर्ड ए सैंपलिंग यूनिट. इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग फ्रॉम ईच स्ट्रेटम ए रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड. वेयर इज इन क्लस्टर सैंपलिंग ओनली सेलेक्टेड क्लस्टर्स आर सैंपल्ड. यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड क्लस्टर्स की ही हमने सैंपल किया है. और यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमने हर स्ट्रेटा में से रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया था. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में ग्रुप्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्ट्रेटा. स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप्स और ये जो स्ट्रेटा होता है होमोजीनियस. वेज इन ग्रुप्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड क्लस्टर्स. इन क्लस्टर सैंपलिंग में जो ग्रुप फॉर्म होते हैं उसे क्लस्टर कहते हैं. स्ट्रेटा सैंपलिंग में जो ग्रुप फॉर्म होते हैं उसे स्ट्रेटा कहते हैं. सैंपल इज ए सिंगल आइटम. In stratified sampling, where whole group is selected as a sample. In clustered sampling, groups are internally जो groups हैं homogeneous होते हैं और externally heterogeneous होते हैं stratified sampling में. जैसे कि हमें पता है कि heterogeneous population को हमने homogeneous groups या strata बनाए थे stratified sampling में. Whereas in case of clustered sampling, जो internally groups हैं वो heterogeneous होंगे क्योंकि अलग अलग उनमें होंगे वो. और जो externally जो groups है वो होगा होमोजीनियस क्लस्टर्ड सैंपलिंग में. वेयर इज इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग द मोटिव इज टू इंक्रीज प्रेसिजन टू रिड्यूस एरर. वेयर इज इन क्लस्टर्ड सैंपलिंग द एम इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सैंपलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग दो तरह की होती है, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग. वेयर इज क्लस्टर सैंपलिंग भी ये भी दो प्रकार की होती है, एरिया सैंपलिंग और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग. आई थिंक all of you must have understood the concept of stratified sampling.
proportionate stratified sampling, disproportionate stratified sampling, cluster sampling, area sampling, multi-stage cluster sampling, and subscribe to the channel as you jump.